झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का आज देवघर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं एक होटल के सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस अवसर पर देवघर विधानसभा और सारण विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष इस दोनों सीटों से प्रत्याशी देने की मांग की। साथ ही संगठन में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं से अवगत हुआ हूँ। संगठन को कैसे और मजबूत कर संगठित बनाया जाए इस पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों की जिसका सशक्त प्रत्याशी विधानसभा सीट पर होगा उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन इसका निर्णय महागठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली बैठक में तय होगी। मौके पर पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश, प्रदेश सचिव अवधेश प्रजापति, दिनेश मंडल, राहुल राज, प्रमिला देवी, फयाज कैसर सहित दर्जनों पदाधिकारी एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट देवघर। क्या तैयारी? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयारी है आगामी विधानसभा को लेकर, और जब से मुझे यह दायित्व सौंपा गया है मैं लगातार रामगढ़, हजारीबाग, आपका चतरा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कुट्टी, धान का एरिया, चाईबसा, सरायकेला, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो होते हुए आपके बीच बाबा नगरी में आ जाए। ये संवाद आपके साथ कार्यक्रम, आपने देखा कि हमारे जिला अध्यक्ष और इनके जो अनुसंगिक इकाइयाँ हैं, चाहे यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, NSUI हो, और हमारे प्रखंड की जो रीढ़ हैं, स्तंभ, सम्मानित अध्यक्ष, सब एक साथ मंच पर बैठे। हम सभी नीचे आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और हम लोगों ने 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इन लोगों के विचारों को सुना, इन लोगों के साथ संवाद किया, कहाँ कमी है, कहाँ मजबूती है, सारी चीज़ों को हम लोग गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं। और निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों को गत बार जो सफलता मिली है उससे ज़्यादा सफलता मिली। क्या देवघर विधानसभा सीट और सारण विधानसभा से भी कांग्रेस से प्रत्याशी उतारेंगे? यह गठबंधन में तय होगा, गठबंधन की मीटिंग में ये सारे विषयों पर चर्चा होकर तय होगी। क्योंकि पार्टी के जितने भी आपके जिलाध्यक्ष हैं या जो भी नेता है, सभी का दावा है कि इस बार जो है हम लोग का सीट है, और ये हम लोग कार्यकर्ताओं का डिमांड जो है, इस आधार पर हम हमारा कैंडिडेट भी मजबूत होना चाहिए। डिमांड तो 81 सीट में कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, JMM के लोग आगे नहीं बढ़ो, लेकिन जहाँ जिसकी मजबूती होगी वहाँ वह कैंडिडेट उतारा जाएगा। 81 सीट में आपका कितना सीट पर डिमांड है? अभी गठबंधन की बैठक में इन विषयों पर चर्चा होगी और वहाँ तय किया जाएगा कि हम कितना सीट पर लड़ेंगे, JMM कितना सीट पर लड़ेंगे और राजद कितना सीट पर लड़ेंगे। तो अगले बार भी लग रहा है कि हम लोग सरकार बनाएंगे? निश्चित आगामी सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।